व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। तो कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, टुडे आई एम हेयर विद अनदर न्यू वीडियो एंड विच इज बेस्ड ऑन कॉन्टिनेंटल GT 650। यस गाइज, तो अभी जो है नेक्स्ट इसके ऊपर मोड्स देखोगे, जैसा कि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो आज मैं अपनी एसेसरीज लेके आ गया हूँ। बिहाइंड द कैमरा कौन है तो आपको मैं मिलाता हूँ, और वो है हमारा मिस्टर विनय। विनय, क्या हाल चाल? बढ़िया है सर। तो अभी विनय जो है GT का काम करने वाला है, जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी हेडलाइट चेंज होगी, एंड एक चीज़ मैं भूल गया, तो कोई नहीं, इसको बाद में देखते हैं। ये जो क्रोम पार्ट है, मेरे को इसको भी ब्लैक करवाना पड़ेगा, और ये चीज़ भी जो है ब्लैक करेंगे। एनीवे, अभी धीरे धीरे मैंने बता दिया आपको GT के ऊपर मोड्स आने वाले हैं, एंड बहुत जल्दी मैं टूर करने वाला हूँ, और उसके लिए स्टे ट्यून्स। मैं कहाँ जाने वाला हूँ, इस GT के ऊपर या डोमिनार, दोनों किसी के ऊपर भी मैं जा सकता हूँ। और अपनी GT देखो कैसी लग रही है, ब्यूटी। एंड लास्ट टाइम तो आपने देखा ही इसका ब्लॉग। और हम लोग जो चेंज करेंगे बैकलाइट एंड फ्रंट हेडलाइट, तो इन दोनों को आज चेंज करेंगे। और इंडिकेटर भी मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, अगर वो टाइमली पहुंच जाते हैं तो मे भी इसी वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं उनका, 7 बजे की डिलीवरी है। तो लेट्स सी, अगर हुआ तो फटफट उनको लाके भी मैं इसमें इंस्टॉल कर दूंगा। सो एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विनय क्या बोलता है, स्टार्ट करें? दे थम्स अप फिर तेरी तरफ से सिग्नल। ओके, यस। तो हम लोग जो है गाइस, पहले जो है ये वाले बोल्ट निकालेंगे दोनों तरफ से, एंड फिर हेडलाइट को जो है निकालेंगे बाहर। उसके लिए जो है आई थिंक ये बोल्ट नहीं, ये रिफ्ट है। अच्छा, पूरा असेंबली निकालना पड़ेगा, देन फिर निकलेगा। ओके ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले सो ये स्टार बोल्ट है यहाँ पे, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, जैसा कि विनय निकाल रहा है, और हेडलाइट आपका बाहर आ जाएगा। सो अभी जस्ट हम लोग जो है ऐसे रिमूव करेंगे, और ये देखो एज इट इज़ फिट हो जाएगा। ये हमारा ओल्ड स्कूल हेडलाइट। एक्चुअली इसका थ्रो भी ठीक ठाक है, मतलब जितना आपने लोगों के रिव्यू देखे हैं उतना भी बुरा नहीं है जितना बोला जाता है। बट यस, अभी जिनको चश्मे लगे उनके लिए प्रॉब्लम होती है, नो डाउट, बट अच्छा है। इसके साथ अगर आप छोटे लाइट्स ऐड ऑन कर लो तो प्रॉपर जस्टिस होगा रोड के ऊपर, अदरवाइज जो है ये HJG वाला इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी अपन जो है अंदर का निकालेंगे इसका डोम, एंड फिर इसको फिट करेंगे। बहुत ईजी है ये। सो ये आ गया। अभी कैसा था, इसको हमने करवाना था ब्लैक, तो अब तो नहीं हो सकता। ब्लैक पेंट है अपने पास स्प्रे? हाँ तो ले आ फिर। अच्छा गाइज, एक ट्रिकी पार्ट बता देता हूँ, ये जो क्लैंप है, विनय बता कैसे लगाना है। तो इसको लगाने का एक तरीका है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे दें, क्योंकि जितनों ने भी हेडलाइट फिट की है ये चीज़ नहीं दिखाई है, और खोलने के टाइम पे दिखाया और लगाने के टाइम पे लगा के दिखा दिया बस कि इंस्टॉल हो गया। तो आपको ऐसे ये क्लैंप जो है ना ऐसे फिट करने, देख रहे हो ना आप, तो ये देख लो। तो एक सैम्पल मैंने दिखा दिया, एक और दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फिर लंबा हो जाता है वीडियो, तो आप लोग देखते भी नहीं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है इम्पॉर्टेंट है कि आपको कैसे फिट करनी है लाइट, और उसके बाद लास्ट में एडजस्ट करना सेंटर में, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले क्लैंप्स फिट कर लो, ये देखो। तो अभी ये सारे ही फिट हो गए, एक और बचा है, तो उसको भी हम लोग जो है ये साइड में चारों तरफ से प्रॉपर पकड़ लिया, पकड़ लिए, तो एक इधर लगा दे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये तो इसको लॉक कर देगा, इसको दबा देंगे ना, इसको लॉक कर देगा। चलो ठीक है, हाँ वैसे कर लें। तो हमने चार ही क्लैंप लगाए हैं, तो ये देखो अभी जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो सेट करके, जो है फिर हम आपको जो है आगे बताते हैं। आप देख सकते हो थोड़ा सा कॉर्नर ये बाहर आ गया और इस साइड में ज़्यादा चला गया, तो अभी इसको जो है एडजस्ट करते हैं। और बेसिकली मेरा बताने का ये था कि आपने क्लैंप लगाने का तरीका देख लिया ना, बस वैसा ही लगाने हैं। अभी हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। सो अभी कनेक्शन देते हैं, उसके बाद देखते हैं आपको जला के कि कैसा जल रहा है ये। सो LED लाइट लगाने का एक बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आपकी बैटरी सेविंग होती है, हैलोजन में आपको पता ही है। यस, क्या बात है। सो आप देख सकते हो ये, बाद में जब इंस्टॉल हो जाएगी प्रॉपर तो आपको दिखाता हूँ। सो वेल डन विनय, तो हमने एक काम कर लिया। अच्छा ये वाला जो है ये हाँ पार्किंग वाली। सो ये शूज़ रहेगा एक्स्ट्रा, तो थोड़ा ध्यान रखना, बाकी जो है अभी अपन पार्किंग वाली लाइट जो है वो लगाएंगे। ये कपलर टू कपलर नहीं होगा, काटना पड़ेगा? नहीं नहीं, फिर काटना नहीं, रहने दे फिर ऐसे ही। अच्छा कट करने की गरज नहीं पड़ेगी।
कट कुछ भी नहीं करना इस बाइक में, ठीक है, मतलब एक भी तिनका नहीं करना, नहीं होगा तो चलेगा, हम वैसे काम चला लेंगे। मैं इसीलिए तुझे बोला, वो कपलर मिल सकते हैं क्या इसके? देख सो गाइज, लाइट का DRL जो है जलाने के लिए विनय ने एक जुगाड़ किया, आप देख सकते हो ये पत्तियाँ, दिखाना मेरे को वो शूज़, तो इस कपलर से निकाली इसने, ठीक है, इस कपलर के अंदर से निकाली है ये कॉपर वाली। एक्चुअली क्या इसमें मेल फीमेल नहीं था, तो अपोजिट में लाइट में जो है ना फीमेल होना चाहिए था, तो ये मेल वाला काम करता, और इधर या उसमें मेल होता तो इसमें फीमेल, लेकिन ऐसा नहीं था, तो बीच में इसने जो है ये ब्रिज बना दिया प्रॉपर, और अभी जो है हमारा DRL भी प्रॉपर तरीके से जलेगा विदाउट कटिंग एनी वायर, ठीक है गाइस। तो इसीलिए विनय के पास जो है आने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जेन्युइन काम होगा यहाँ पे, आप अपना टेंशन फ्री DRL भी, होप सो, फिंगर क्रॉस्ड, यस गाइस, नाउ दिस इज व्हाट आई वांट, या तो आई थिंक जब स्टार्ट करेंगे तो इसका वाइट भी हो जाएगा, आई थिंक सो। फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट, अभी चलेंगे पिछले पार्ट के लिए। फाइनल जो है डिसीजन ये निकला, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है लोअर एंड ये है अपर, ठीक है, अभी बाद में डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग, अभी चलते हैं पीछे टेल लाइट के ऊपर एंड इसको जो है अभी इंस्टॉल करेंगे। एंड विनय कहाँ पे रखा टेल लाइट तूने? यस, वो है, तो एक बार इसका भी आपको प्रॉपर मैं ये दिखा देता हूँ, सो आप देखो कैसी लगेगी। तो अपने को बेसिकली लीन लुक चाहिए, तो वही अपने को आने वाला है, तो इसको बड़े वाले को निकालते हैं और छोटे वाले को इंस्टॉल करते हैं। वेरी नाइस, चलो। सो अभी अपन पीछे का जो है टेल लाइट का काम कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो विनय निकाल रहा है ये, मैं पहले खोल चुका हूँ मालूम है, देखो ये पीछे का फेंडर निकाला था मैंने, ये यहाँ तक था, बहुत गंदा दिखता था तो उसको मैंने निकाल दिया था। लाइट का कनेक्शन ये है और इंडिकेटर का ब्लैक एंड वाइट अलग से दे के रखा है, अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं DIY तो आपके लिए इजी दिया हुआ है, ये लेफ्ट का है, सॉरी राइट का है और ये लेफ्ट का है, ठीक है। तो अभी अपन जो है इसको निकालेंगे और ये वाले बोल्ट जो है निकालने पड़ेंगे अपने को। यस, दिख रहा है ना आपको? नहीं लग रहा, नीचे से स्ट्रेट बिठाना पड़ेगा, देखो है। सो ये अपने पास आ गया कंप्लीट यूनिट, अब देखो ये वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये निकल गया ना फिर हम लोग बताएंगे, मैं बताता हूँ देखो क्या करना है। सो गाइस वी हैव वन इशू, तो क्या है आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो नंबर प्लेट वाला जो क्लैंप है ना इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है आप देख रहे हो ये छोटा है कंपेयर टू दिस वन, तो एक बार ट्राई करते हैं जुगाड़ बैठता है कि नहीं, तो ये सब जुगाड़ ही करना पड़ता है ये एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने के लिए, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। एंड इसको एक बार दिखा भी नहीं, एंड इसका भी देख सकते हो, इसको निकाल दे, हाँ वो चाहिए भी नहीं अपने को, अब इसको लगा के देख, इसमें डाल के देखना, तो भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, अच्छा तो अपने को ड्रिल करना पड़ेगा बेसिकली। कितना गैप आ रहा है? बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, वो तो मतलब देख सकते हो इतना एक्स्ट्रा गैप आ रहा है। तो अभी जो है ये नहीं हो पाएगा, सो क्या करें फिर, वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ अभी विनय से, उसके बाद ही आगे कहानी स्टार्ट होगी, वेट करो जब तक। गाइस प्लान फेल हो गया, ये नहीं इंस्टॉल हो रही, क्योंकि इसका जो है ना काफ़ी वाइड है, बोल्ट का जो डिस्टेंस है ना काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी ये मार्किंग कर लिया है, देखता हूँ अगर होता रहेगा तो ये भी नहीं करवाएगा, हीट गन चाहिए इसके लिए, हीट करेंगे और फिर इसका पोजीशन चेंज कर देंगे बोल्ट का, मतलब अभी तक ऐसा सोचा है, तो वो अगर होएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है फिर JD कस्टम से जो है मंगवाते हैं दूसरा वाला लाइट।
प्लान फेल हो गया, बस लाइट इंस्टॉल हो गई हमारी फ्रंट में, तो अभी जो है आपको बाद में दिखाता हूँ कैसी लग रही है। डोप मस्त लग रही है, एक नंबर। सो गाइस अभी जो है कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कल करेंगे काम को कंप्लीट। देखते हैं जुगाड़ बिठा के जो है टेल लाइट को जो है ये करने का, तो अभी वैसे ही हमने जो है पैकअप कर दिया। यानी वो लो लाइट है तो आपको फुटेज अच्छा नहीं आ रहा रहेगा। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और कल कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो एक बार आपको लाइट फिर से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो बहुत सही लग रही है। और एक बार आगे डिपर भी देख सकते हो, थ्रो अच्छा है बेसिकली, तो आप देख लो। तो चलते हैं बस, अभी कल देखते हैं ये करके। बाकी जो है इसके अंदर जो इंडिकेटर के साथ जो है एम्बर लाइट जो है, तो इंडिकेटर इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ जो है उसका कनेक्शन भी दे देंगे। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहेगा। अच्छा लग रहेगा तो इसी नोट पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी क्या, कल मिलते हैं इंडिकेटर एंड ये टेल लाइट के वीडियो के साथ। सो टिल देन नाउ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, बाय बाय गाइज, बाय बाय।